पाकिस्तान का, या आपने ये देखा नहीं कि पिछले माह या एक डेढ़ माह पहले वजीर आजम पाकिस्तान जब यहां आए अरबों रुपए के ऐलानात किए, और आप इसको बखूबी जानते हैं नौजवान कि मोहम्मद नवाज शरीफ झूठे वादे नहीं करते, अमल करके दिखाते हैं। यह हमारी बदकिस्मती रही पाकिस्तान की और हमारी कि ये दो दो साल हमें मिले, सिर्फ दो दो साल, सवा दो दो साल। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 90 से 93 में देखे बतौर वजीर आजम, और 97 में 99 तक आप देखे, 99 में हमारा 1990-93 में क्या कसूर था कि हमने पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरे इस एशिया में पहला मुल्क था जिसने मोटरवेज बनाने शुरू कर दिए। आपके सामने मोटरवेज बने हुए, क्या मियां नवाज शरीफ झूठ बोला? मियां नवाज शरीफ ने वहां सिंध में हारियों को जमीनें दी, इसी तरह 1997 और 99 में 97 में 99 में पाकिस्तान जो कल 28 मई की तारीख आ रही है, तारीख की तारीख है मेरे भाइयों। अगर पाकिस्तान एटमी कुवत ना होता तो खुदा ना खास्ता आज जितनी तकरीब कारी और जितनी पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए साजिशें हो रही हैं, शायद इन पाकिस्तान 10-12-15 सालों में और नक्शे में खड़ा हो। आपको याद होगा जब हिंदुस्तान ने 1998 में हिंदुस्तान ने 5 एटमी धमाके किए तो ये मोहम्मद नवाज शरीफ था जिसने 7 एटमी धमाके करकर उसका जवाब दिया और एटमी दाखिल किया। ये फर्क है एक लीडर में, एक उस शख्स में जो दिल में जज्बा रखते हैं आवाम की खिदमत करने का। आज इन 2 सालों में सबसे बड़ा चैलेंज हमें जो दिया, जो हमें मिला विरासत में, और जो आवाम ने हमें इत्माद किया, वो क्या था? दहशतगर्दी का, वो क्या था? बिजली एनर्जी। आज आप खुद इस चीज का इंसाफ करें कि पाकिस्तान का 2013 और 2012 का पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से देखें और आज का पाकिस्तान देखें, बहुत फर्क पड़ चुका है। उसमें मियां नवाज शरीफ और ख्वाजे पाकिस्तान का रोल है। लीडर नवाज शरीफ और जिस तरीके से ख्वाजे पाकिस्तान मैदान में निकली, आज ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की जिसकी बात कर रहे हैं और जिसका मैंने जिक्र किया, वजीर आजम आया अरबों रुपए, सिर्फ 45 अरब का मंसूबा मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, यहां से जो सिकरदू आपकी सड़क जा रही है 45 अरब रुपए, ये सारा पैसा आपकी अमानत है, ये पैसा सारी कौम की अमानत है। खुदा की कसम मैं ये समझता हूं कि ये इलेक्शन आम इलेक्शन है। पाकिस्तान को बचाने के लिए तो अलहदा, पाकिस्तान को और इन नौजवानों को फ्यूचर बनाने के लिए पैरों पर खड़े करने का ये इलेक्शन है, और ये पैसा आपकी इमानत है। खुदा ना खासा डॉक्टर साहब, आपने तो ये कह दिया कि मैं हारा आपके साथ हूं, आपकी बड़ा जज्बा, आपकी बड़ी बात, मैं कहता हूं खुदा ना खासा अगर इस बार मुस्लिम लीग हारी तो ये सारा पैसा ये चोर और चक्के खा जाएंगे जिसका आपने तहफ्फुज़ कर रहे हैं आपने।